भोजपुरी की कोई भी हीरोइन क्यों नहीं आई अक्षरा सिंह के सपोर्ट में, इसका सबसे बड़ा कारण आज हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। क्यों नहीं आई कोई भी भोजपुरी की बड़ी हीरोइन, तो उसके पीछे कारण है आजकल भोजपुरी की हर बड़ी हीरोइन पवन सिंह के साथ नजर आ रही है, या यूं कहने कि हर बड़ी हीरोइन के साथ पवन सिंह काम करते नजर आएंगे। ताज्जुब होगा आपको कि कहां 10 साल बाद वो रानी चटर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, मधु शर्मा के साथ वो लगातार फिल्में कर ही रहे हैं, इसमें नया नाम आम्रपाली का शामिल हो चुका है। सुनने में आ रहा है शेर सिंह के बाद पवन सिंह आम्रपाली के साथ एक और फिल्म कर सकते हैं। और तो और, अंजना सिंह से लेकर निधि झा सभी लाइन में हैं भोजपुरी पावर स्टार के साथ फिल्में करने के लिए, और सभी को बकायदा फिल्मों में साइन भी किया जा रहा है। जी हाँ, कभी तो वो वक्त था जब पवन के साथ सिर्फ अक्षरा फिल्मों में नजर आती थी और किसी भी हीरोइन को कोई जगह नहीं दी जाती थी, सेकंड लीड भी अक्षरा सिंह डिसाइड करती थी। लेकिन आजकल भोजपुरी की हर हीरोइन के लिए पवन सिंह के दरवाजे खुल गए हैं, फिर वो चाहे उनकी पुरानी दुश्मन हो या फिर आने वाली कोई भी नई अभिनेत्री, सभी पवन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं और अपने लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी हीरोइन पवन सिंह के खिलाफ बोलती नजर नहीं आई अक्षरा सिंह वाले मैटर में। वैसे अक्षरा सिंह ने कई बार कहा, जानते तो सभी हैं पवन सिंह की सच्चाई, लेकिन सभी को यहाँ पेट भरना है, इसलिए कोई भी पवन के खिलाफ नहीं बोलेगा। यकीन है हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भोजपुरी की कोई भी बड़ी अभिनेत्री क्यों नहीं बोलना चाहती है पवन सिंह के खिलाफ। वैसे काजल राघवानी तो कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि काजल राघवानी और अक्षरा सिंह की तो जाति दुश्मनी आज से नहीं बड़ी पुरानी है, और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भाई यहाँ आप ये कह सकते हैं पवन सिंह से अच्छा दोस्त अब तो काजल राघवानी का कोई नहीं होगा। खैर, भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।